नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे स्पीडी समान रत्न बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज है ज्ञान संग्रह 8 तथा पेज नंबर है 280। तो ज्ञान संग्रह 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया। जिन्ना ने कब मुक्ति दिवस मनाने के आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1939 को स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल और पाल ने में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल और पाल में कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? लाला लाजपत राय। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्र प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में प्रसेंजित राज्य करता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राजा था? प्रसेंजित। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था। 40 गुलामों का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबलपुर जैतपुर बघात गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए। संबलपुर जैतपुर बघात गोद निषेध अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए थे। बाल गंधर्व तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया था। किसने वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? बाल गंगाधर तिलक। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता सुब्रमण्यम अय्यर थे। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन था? सुब्रमण्यम अय्यर था। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून रॉलेक्ट एक्ट को कहा गया था। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रॉलेक्ट एक्ट को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ था। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में प्रारंभ किया गया था। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र में। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था? पांचवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुआ। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? चीन में। देश में साख का नियमन एवं नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करती है। देश में साख का नियमन एवं नियंत्रण कौन करती है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है। संसार में बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंक की माँ की उपमा दी जाती है। संसार में बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्या उपमा दी जाती है? केंद्रीय बैंकों की माँ। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में निर्गत की गई थी। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? 1917 ईस्वी में। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कोची में स्थापित किया गया था। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया था? कोची में स्थापित किया गया था। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड को 1959 ईस्वी में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा निर्गत किया गया था। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड को कब बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा निर्गत किया गया था? 1959 ईस्वी को। SBI ने चीन में अपनी पहली शाखा खोली। SBI ने चीन में कौन बैंक है जो चीन में अपनी पहली शाखा खोली है? SBI। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज MCX है। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज क्या है? MCX। सबसे पुराना कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज NMCE है, जो कि 2002 ईस्वी में है बना था। सबसे पुराना कमोडिटी एक्सचेंज क्या है? NMCE है, जो कि 2002 ईस्वी में बना था। क्रिसिल केयर तथा इकरा तीनों भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। क्रिसिल केयर तथा इकरा तीनों भारत की क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है, जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादन पीटर पायर थे। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पीटर पायर थे। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने पारित किया था? राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट है भूगोल, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है,
किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होता है क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। पर्वत शिखर लहोत्से नेपाल में स्थित है। पर्वत शिखर लहोत्से कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। लोहा आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। लोहा किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? म्यांमार में है। मयूराक्षी नहर पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी नहर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराजेवो बोस्निया व हर्जिगोविना देश की राजधानी है। साराजेवो कहाँ की राजधानी है? बोस्निया व हर्जिगोविना देश की राजधानी है। महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था नागपुर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। तावा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तावा नदी कहाँ किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट है। पख्तूनिस्तान क्षेत्र अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में स्थित है। पख्तूनिस्तान क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में स्थित है। क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। क्रा नहर कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। मिस्र के किसान फेलाह कहलाते हैं। मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं? फेलाह। एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान क्षेत्र कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है विज्ञान, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक गुण तत्व में पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं? तत्व में पाए जाते हैं। प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नस वॉन ब्रान ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नस वॉन ब्रान ने किया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहा जाता है। सूर्य की विकिरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? एक्टिनोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटेनियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटेनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस को और किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। फोटोग्राफी में समानतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपोरासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में समानतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोना को धातु का राजा कहा जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। वायु में नोबेल गैस रेडॉन नहीं होता है। वायु में नोबेल गैस कौन है जो नहीं होता है? रेडॉन। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्टिडिन ने की थी। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्टिडिन ने की थी। नाखून पॉलिश परिमार्जन में एसीटोन रहता है। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? एसीटोन रहता है। दही में खटापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दही में खटापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं।
पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वाचन होते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। विधान परिषदों में सर्वप्रथम 1909 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। विधान परिषद में सर्वप्रथम कब भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? 1909 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो वह न्यायालय में वाद विवाद योग्य नहीं रह जाता है। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो वह न्यायालय में वाद विवाद योग्य नहीं रह जाता है। प्रकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। किस समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं? प्रकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। भारत में राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता देती है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देती है? निर्वाचन आयोग मान्यता देती है। नेक्स्ट है परंपरागत ज्ञान, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने बनवाया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने बनवाया था? हरिसेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। डेरा बाबा मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। डेरा बाबा मंदिर कहाँ पे स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। हजारनामा मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हजारनामा मंदिर कहाँ पे स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार सिडनी पोटियर था। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? सिडनी पोटियर था। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा जिला भभुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? भाभरा जिला भभुआ मध्य प्रदेश, झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर है। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र चीन देश से संबंधित है। पीपुल्स डेली डेली समाचार कहाँ की है? चाइना की है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? रामवरण यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत में कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के को अरविंद अडिगा ने लिखा है। पुस्तक द व्हाइट टाइगर को किसने लिखा है? अरविंद अडिगा ने लिखा है। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक करके अपने दोस्तों साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।